मैं खुली चुनौती देता हूं विपक्ष को, किसी भी मुद्दे पर चर्चा कर ले। यह संवैधानिक रूप से पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, हिंदुस्तान की 138 करोड़ की जनता के लिए है। आपने केवल एक परिवार, गांधी परिवार के लिए वो ट्रस्ट बनाए थे। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में सोनिया गांधी, नेहरू, ये लोग वहां पर उसके सदस्य रहे। सर, इसकी विस्तार में चर्चा होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो, देश को आपका असली चेहरा नजर आना चाहिए सर। इसके राजनाथ सिंह जी भी है, राजनाथ सिंह जी कहिए हम लोग कोई गलती किया या आप कहे तीन दिन का छोकरा, ये गलती क्या बताइए। या आप तीन दिन का छोकरा, ये गलती क्या बताइए। देश की जनता को गुमराह करके अलग अलग चैरिटेबल ट्रस्ट में पैसा लेकर आपने व्यक्तिगत लाभ उठाने का काम किया है, उसको हम पर्दाफाश करके छोड़ेंगे। ये गांधी परिवार ने देश के साथ खिलवाड़ किया है, इसका दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। आपके तो आपका एक एक चिट्ठा यहाँ पर निकाला जाएगा। यहाँ पर सर बीच में कहाँ के वो हिमाचल के छोकरा कहाँ से आ गए, गधे कहाँ से आ गए, बीच में आके सारे बाजार खराब कर दिए, सारे बाजार खराब कर दिए इन्होंने। सर ये सर इस चर्चा में सर कहाँ से नेहरू, कहाँ से सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी का लाले का कोई जरूरत था सर, आप बताइए। हम लोग कभी कहा कि पीएम कियास फंड में नरेंद्र मोदी चोरी करते हैं, चीना फार्म से पैसा लेते हैं, उसूले करते हैं। हमने कभी पीएम नरेंद्र मोदी का कोई एक बात, एक लफ्ज उच्चारण किया है, नहीं किया। उन्होंने कहा से नेहरू जी वो जब दुनिया में नहीं आए, उनसे उनको नाम जिक्र करके सर वो कि अपमान किसको करने चाहते हैं। सर दूसरा बात सर, ये लोग आपका चेयर की गरिमा को, आपका चेयर की गरिमा को नष्ट करना चाहते हैं सर, आपका चेयर की गरिमा, आपको चेयर की गरिमा को बचाना हम सबको फर्ज है। यहाँ राजनाथ सिंह जी भी है, राजनाथ सिंह जी कहिए हम लोग कोई गलती किया या आप कहे तीन दिन का छोकरा, ये गलती क्या बताइए। बैठ जाइए, बैठ कर बैठ के प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों, हाँ माइक ये लगा के, ये लगा बोलिए आप। नहीं हाँ सुनिए, सुनिए साहब, जब से हाउस साथ स्टार्ट हुआ है हम लोग आपको बात सुन ले, हम लोग चुपचाप बैठ के कर रहे हैं। लेकिन आप बीजेपी का कोई मेंबर कुछ बोलेंगे हम लोग के लिए, आप उन लोग को कुछ नहीं बोलेंगे। हम लोग जब रिएक्ट करेंगे ये नहीं चलेगा, नहीं आप नहीं, आप नहीं, आप क्यों नहीं रुका प्लीज साहब, नहीं आप अपनी बात को, एक मिनट अपनी बात को संयम में बोला करें। साहब सुनिए, आप मैं खत्म नहीं हुआ, आप हमारा नाम लेके हमको सस्पेंड कर दीजिए, उसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन आप लोकेश चटर्जी को प्रोटेक्ट करेंगे, बीजेपी लोग को प्रोटेक्ट करेंगे, हम लोग को नहीं, हम लोग को बोलने नहीं देंगे। ये नहीं होगा, नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, चलने नहीं देगा। क्या चलेगा, क्या सोचते हैं वो लोग, क्या बैठ जाए एक मिनट मास्क, हाँ प्रोटेक्ट, चलो माननीय सर प्लीज, नो शांति शांति शांति।